गुड मॉर्निंग. क्या बात है, एक्सरसाइज हो रही है? वैसे आप सुबह सुबह क्या करने आई हैं? एक्चुअली मैं ना तुझे सॉरी बोलने आई थी. इट्स ओके कन्नू, तेरी कोई गलती नहीं थी. एक्सीलेटर का इश्यू था बेटे. एक्सीलेटर कई बार एक पॉइंट पे जाके फंस जाता है. मेरी स्कूटी में सेम प्रॉब्लम हुई है यार. मैंने ठीक करा लूंगी, तू टेंशन मत ले. हां सॉरी, ठीक करा लूंगी. तेरे लिए नीचे गैराज खोल रखा है मैंने. अपने हाथों से प्यार से ठीक करूंगा तेरी स्कूटी को. यार लेकिन सच्ची कहूं तो जैसा मैं सोचती थी ना ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. मतलब? अरे मैं सोचती थी कि तो एक नंबर का नहायत ही बदतमीज, निकम्मा, कमबख्त, लोगों की बिल्कुल हेल्प ना करने वाला एकदम केयरलेस बंदा है. लेकिन नहीं, दुनिया ने मेरे थॉट्स चेंज कर दिए हैं और तेरी इज्जत ना लिटरली बहुत बढ़ गई है मेरी नजरों में. सच्ची. चलो भाई मुबारक हो, किसी की नजरों में तो तुम्हारे लिए इज्जत है. गुले गुलजार, क्या खूब कहा है ना किसी ने, मेरी इज्जत अफजाई इन प्यारी आंखों में समाती है. तेरी यही अदा तो मुझे बहुत भाती है. यार ये जीजा कितना कूल है, कितना केयरिंग है. इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कितना स्वीटली पेश आ रहा है मेरे साथ. क्या हुआ कन्नू, बड़ी गुमसुम सी है? नहीं नहीं मैं अपने थॉट्स में थोड़ा सा हो गई थी. लेकिन मैं ना पक्का स्कूटी गैराज में तेरे लेके आ जाऊंगी, है ना? ठीक है, मैं वेट करूंगा तेरा. हाँ ठीक है, ओके चलो बाय. थैंक यू. बाय मत बोल, इट हर्ट्स. ओके तो मैं जाती हूँ. जाती हूँ नहीं कहते, अब शकुन होता है. आती हूँ. सेम. ओके बाय कन्नू. जी अबे तेरी लड़की ने ना मेरे लौंडे को टक्कर मार के अच्छा नहीं किया. तू और तेरा लौंडा ना दोनों ही कबाड़े हैं. अब कबाड़िए की औलाद तो तू है, भूल गया? भूल गया अपने बाप को कैसे चल रहा था? कांटे ले ले, लोहा टक्कर ले ले, बातें कर रहा है. दिमाग खराब मत कर, तू है भिखारी की औलाद. तूने अपने बाप को देखा था कैसे कटोरा लेके जाता था? ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा, मेरे कटोरे में कितनी बार चवनियां डाली उसके. सब जानू, एक नंबर का बगला भगत है. मुंह में भावी, बगल में चावी है. मैं तुझसे कह रहा हूँ यार, तू यहाँ तक मत पहुँचा कर, तू बस. अरे हाय मेरे गंज दंड के राजकुमार, चल वो टॉपिक नहीं छेड़ूंगा, लेकिन तेरी बेटी ने जो किया है ना उससे बड़ा अपसेट चल रहा हूँ मैं. अबे ओए आगरा के ताजमहल देख, अपसेट होना जायज है. मैं बता रहा हूँ अपने लौंडे की कुंडली दिखवा दे, तेरे लौंडे का जो है ना शनि बिगड़ा हुआ है. अब क्या कह रहा है, शनि को पूरी दुनिया छोड़ के सिर्फ मेरा लौंडा ही मिला है क्या? बेटा शनि महाराज जो है वो नमूनों को ढूंढते हैं. अब क्या बोल रहा है वे? अबे मैं ये कह रहा हूँ कि तू अपने लौंडे की कुंडली एक बार मुझे दिखा दे. मैं तुझे बता रहा हूँ जितने टंटे होंगे ना मैं सब बता दूंगा तुझे उसकी कुंडली. तुझे कभी दिखाऊंगा ना, है पता नहीं कौन से टंटे में से मेरा कौन सा अंटा निकाल ले. ओए सुन, ओए यार अंटे से याद आया, अंटे ले आना यार, अंटे खेलते हैं. तेरे अंटे कहाँ है? यार मेरे अंटे तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए. तेरे अंटे? भैया मेरे अंटे अभी तक सही सलामत है. क्या बात कर रहा है? अबे 200 कंचे मेरे पास, 200 कंचे. तेरे को चाहिए तो बता, 100 रुपए का एक अंटा दूंगा. अबे सन मैं ये कह रहा हूँ कि तू अपने लौंडे की पहले कुंडली दिखवा दे, समझ रहा है? कोई पंडित हो तो बता तेरे पास. अच्छा तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी पहचान के एक पंडित जी हैं, पंडित रामदयाल शर्मा. हारमोनियम बजाते हैं, कुंडली भी बजाते हैं, मतलब आई मीन कुंडली देखते हैं. अच्छा सुन, खेलेगा अंटे? बेटे ओ गुलदाउदी के फूल, डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ मैं? पहले तो दूसरों का नाम तमीज से लेना सीखो. मेरा नाम गुलजार है.
तो गुलजार नाम होने से कवियों वाली इज्जत नहीं मिलती बेटे। जो भी है, नाम तो मेरा गुलजार है ना। ठीक है गुलजार, तुझे क्या यहाँ पे वीडियो गेम चैंपियनशिप जीतने के पैसे दे रही हूँ मैं? ऐसी कितनी दौलत लुटा दी तुमने मेरे ऊपर? बेटे इस घर में हमसे ज्यादा ऐश मौज तो तू उड़ाता है। रोज देखता हूँ रोटियां और बोटियां नोचते हुए। रोटियां और बोटियां? दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? बोटियों की शक्ल देखे सदियों हो गई। तो एक काम कर, राख के ढाबे पे लग जा, वहां भी बड़ी बोटियां तोड़ने को मिलेंगी। क्या बात कर रही हो, मतलब आप लगवा दोगे जॉब? जान पहचान होगी आपकी? हाँ, मेरे पापा के दोस्त लगते हैं वहां के मालिक। बोल करो तेरी बात। हाँ excuse me, इसकी कोई जरूरत नहीं करनी। ये दरिंदा तो राके के ढाबे की सारी बोटियां नोच खाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल ले। मैं तो घोस्ट की खुशबू सूंघते ही मुतमीन हो जाता हूँ। हाँ मुतमीन हो जाइए तू। जब बेटे 7.5 नंबर का पाना ढूंढ के ला बेटे। हाँ बहुत बड़ा गैराज है तुम्हारा, टाइम लगेगा 7.5 नंबर का पाना ढूंढने में। टाइम ले ले। ले आई स्कूटी? हाँ तो ये क्या है? स्कूटी है। स्टार्ट कर दे। स्कूटी की रग रग से वाकिफ होगा ना? अजी बस ये समझ लीजिए कि मजमून भांप लेते हैं खत का बस लिफाफा देखकर। मजमून? मजमून मीनिंग टू से खत का कंटेंट। ओह नाइस, तो इसका मजमून क्या कहता है? इसका तो मजमून ये कह रही है कि एक्सीलेटर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है यार? मुझे लग रही है कि स्क्रू ढीला हो गया है। तेरा? एक्सेलेरेटर का? क्या यार, तू भी ना उल्टे जवाब देता ना चिढ़ता है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है मुझे आजकल। नहीं कन्नू, इसे डिसअपॉइंट मत हो। असल में क्या है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल मेरे अंदर के गुस्सा करने की कैपेसिटी कम होती जा रही है। जी करता है बस प्यार करो। बच्चू तू ना अपने से बड़े साइज की बातें कर रहा है। तू अंडर एस्टिमेट कर रही है कन्नू मुझे। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि क्या रखा है गुस्से में, सबको एक दूसरे से बस प्यार करना चाहिए। ये बात सबसे पहले अपने आप को समझाओ। अरे बंदा हमेशा भरा रहता है। तू टेंशन मत ले, तू बस रिलैक्स कर, इन मार के इसी सारी हवा निकालूंगा मैं। क्या बोल रहे हो? नीड में कह रही हूँ कि दिल का साफ है बहुत ये। और तू दिल का साफ है? चेक कर ले। हाथ तो तेरे मैले हो रखे हैं। तुझे पता है तेरे रंग के सामने हर चीज मैली लगती है, तेरे रंग के सामने हर चीज मैली लगती है। अरे आप क्यों साइकिल ठीक कर रहे हैं? देखिए हाथ मैले कर लिए ना आपने। तुम्हें पता है तुम्हारे रंग के सामने ना हर चीज मैली लगती है। तुम्हारे रंग के सामने ना हर चीज मैली लगती है।
हो गया? हो गया। ओके। हो गई मरम्मत। अबे ओ जलील इंसान, अबे कहाँ बे भानिगल, अबे जलालत की मिट्टी से निकले हुए कमीनियत के काने पौधे, अबे कहाँ है तेरी लड़की ने फिर मेरे लौंडे को टोक दिया। अबे ओए कमीनियत के आटे से बने हुए समोसे खस्ते। भाभी जी नमस्ते। हम आपको कुछ नहीं समझते। हेलो बहुत अच्छे। अरे ओ बैंडेड क्वीन दीदी, पुतली बाई दीदी, कहाँ हो दीदी, जरा बाहर तो आओ, मैं तुम्हें हमारे खुर्जे की छिली छिली सुनाऊंगी। छिली उल्टे तुम लग रही हो दीदी, क्यों मर रही हो दीदी? मर तो तुम नहीं रही हो दीदी। अरे मैंने हमारे दुश्मन और उनके लग जाए रास्ते। हाँ बाबूजी मैं क्या बोल रहा हूँ, नमस्ते। हम भी आपको कुछ नहीं समझते। कुछ नहीं समझते तो भाड़ में क्यों नहीं जाती दीदी? तुम भी भाड़ में जाओ दीदी। वैसे भी आपके पति शक्ल से लगते है सड़े हुए चिलगोजे। अबे अगर ये नन्हे हैं चिलगोजा तो तू भी है किसी साजिश की बेल पे लगा हुआ सड़ा हुआ तरबूजा। बातें कर रहा है। अबे मैं क्या क्या है? वो आ गए। नानू देखो वो आ गया। देख देख देख। ओहो सरकारे आली। मतलब मतलब पूरा खानदान गधा है। हुजूरे वाला खुजली बैल कह रहे हैं। आप अगर हम हुजूरे वाला हैं तो आप जनाबे वाला हैं। जनाबे वाला मतलब क्या भाई? नानू ये वो बोल गया जो मेरे भाई ने बोला था जिसकी वजह से तुमने मेरे भाई को घर से बाहर निकाल दिया था। तो बहुत अंदर तक पूछ गया। तू मेरा यार है। तू मेरा दिलदार है। तू मेरा संसार है, मेरा आधार है, मेरा करतार है। नानू ये तो बहुत आगे बढ़ गए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। देख रहे हैं जनाब कितना प्यार है दोनों परिवारों में। प्यार नहीं है रठी, कोड वर्ड में गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को। तो करना क्या है जनाब, अब कोड वर्ड पर तो फाइन नहीं लगा सकते ना। गलत है सही है रठी। जी जनाब गुलाटी। बीच बीच में ना चक्कर मार के नजर रखता रहे इन पे, ठीक है? जब तक कोड वर्ड में बात कर रहे हैं तब तक पड़ोस के बच्चों को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं भी ये देखता हूँ कि कब तक कोड वर्ड में बातें करेंगे, कभी तो आएंगे असलियत पे। जैसी असलियत पे आए होको फाइन इन पे। जी जनाब गुलाटी। यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ऐसी पुक। अरे यार दूध उबल जाता, क्या कर रही है? मैं ना बहुत अपसेट हूँ यार। क्या हो गया? पता नहीं यार, मैं ना थोड़ी देर पहले ना जीजे के गैराज में गई थी और वो एक्सेलरेटर ना वो ठीक कराने अपनी स्कूटी का। तो फिर हो गया ना ठीक, अच्छी बात है। हाँ ठीक हो गया। फिर एक कांड भी हो गया।
कौन सा कांड? लड़की जिसने दूसरी बार तुम्हारी पीठ का चकना चूर कर दिया, उसको पटाने के चक्कर में घूम रहे हो? जानबूझ के कर रही है वो सब, देखा था मैंने, वही था मैं। जानबूझ के कर भी रही है तो झेल जाऊंगा बेटे, इस हवेली के लिए तो तेरी जान पे खेल जाऊंगा बेटे। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। मुझे तो ना ऑनेस्टली लगता है तू जानबूझ के ना अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कर रही है ये सब। तो तू ऐसे क्यों बोल रही है यार? तेरे सर की कसम, नहीं मतलब हमारी कसम, झूठी खा लो, हम तो मैटर करते ही नहीं ना तुम्हारी लाइफ में। चुप पे, माय गॉड, मुझे लगता है मैं झूठी हूँ, झूठ बोल रही हूँ। गेट आउट, व्हाटएवर, सॉरी, डोंट गेट आउट। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ यार। गुल्लू यार अपने घर की लड़की है यार, और ऐसे स्कूटी लेकर ऐसे दर दर की ठोकरे खाए तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना गुल्लू। सीबी की स्कूटी तो मैं अपने हाथों से ठीक करूंगा। कुछ विद्वान लोग कह कर गए, क्या कह दिया उनने तुझसे? कि जब जोर के ठोकर लगती है ना, हाँ, तो दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ तो मुझे सारे दरवाजे बंद होते दिखाई दे रही है। अबे गुल छर्रे, तू ज्यादा मेरा मार्गदर्शक मत बन। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। क्या कर रही है मैं? मैं इंजुरी बढ़ा दी तूने मेरी। क्या हो गया? मैंने बड़ा ही अजीब सा सपना देखा यार, भयानक था एकदम। अब क्या देख लिया बहन? मैं ना सो रही थी अपने रूम में, फिर अचानक से मेरी आँख खुलती है, फिर बढ़ती हूँ भूतिया कमरे की ओर। हिम्मत करने के बाद मैंने वो दरवाजा खोला और मैं ना रूम में चली जाती हूँ। तो एक कमरा है, वो लाल कलर की रोशनी से ना से जगमगा रहा था। उसके बाद जो मैंने देखा वो, भाई साहब क्या देख लिया बहन? मैं किसी का खून कर रही हूँ। गॉड, मैं बहुत डर गई थी यार। फिर वो मुझे हमारी हॉल में से वो इससे पिक्चर लगी हुई है ना, वो विंटेज लुक वाली, सेम वो ही अवतार था मेरा यार। और इतनी बेरहमी से ऐसे चाकू से कच्चा कच्चा कच्चा। अरे थी, एक बात को बुरा तो नहीं मानेगी? माय गॉड, मैं ऐसे नशे वशे नहीं करती हूँ। तो बहन करने स्टार्ट कर दे, मैं तुझे बता रही हूँ। ठीक से नहीं कर रही है तू। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जस्ट अ मिनट। हाँ जा बेटे गुल्लू, ये उबल लिया आइस पैक, इसको जाके तू ना ठंडा करके ले बेटे। जा बेटे जल्दी जा, धीरे से आइए बेटे। और गुल्लू, अभी हाल कैसे हैं? जी रहा हूँ बस। एक सेकेंड, मैं हेल्प करती हूँ। अच्छा अच्छा, बड़ी केयरिंग है तू। हाँ तो सच में बहुत बुरे लग रहे हैं यार। I'm really sorry. I'm really really sorry. It's completely okay, Kannu. No, it's not okay. ये सब ना मेरी वजह से हुआ है, पर मैं तुझसे सच्ची में कह देना चाहती हूँ कि मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। मैं जानता हूँ तू मेरे साथ ऐसा कभी जानबूझ के तो नहीं कर सकती है ना? Yes. ये तो क्लच का इशू है। एक्सीलेटर ठीक हो गया लेकिन क्लच का इशू है। मुझे रेस पे क्लच का कंट्रोल आता है ना, वो छूट रहा है, उस चक्कर में मैं ठुक गया। तुम्हें तो भगवान की दया है कि मैं दीवार में चुनवाने से बच गया गन्नू। नहीं 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 नहीं, वो तो सब सही है, लेकिन ये सही नहीं है। तो I'm really 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 sorry. I'm feeling extremely guilty.
मेरी गलती है, मुझे मुझे नहीं करना, मतलब आई डोंट नो, आई कुडंट कंट्रोल इट. रिश्ते में फॉर्मेलिटी नहीं, तेरी कोई गलती नहीं करनू, और प्रॉमिस. गलती तो इन माँ से की है, तुम्हें जब ये स्कूटी स्कूटी ठीक करनी आती नहीं है तो क्यों लेते हो जिम्मेदारी? बड़ी जल्दी आ गया तू, आइस पैक खोल रहा है बेटे. और ठंडा चाहिए मुझे. तो कहाँ थे हम? दूध. हल्दी वाला दूध लेके आई हूँ. You will feel much better. Please. लेकिन मैं तो lactose intolerance हूँ, तुझे बोला था ना, मैं तो force मत कर, कहनू कसम है तुझे, कहनू तू force तुम्हें बिल्कुल भी नहीं. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.